इस वीडियो में बताए गए किसी भी बातों का एडवेंचर्स टीवी इंडिया कोई दावा नहीं करता है और ना ही हम किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ इंटरनेट द्वारा ली गई जानकारियों पर आधारित है। इस वीडियो का मकसद सिर्फ आपको मनोरंजन के साथ इस जानकारी से अवगत कराना है। राजस्थान भारत का सबसे अनोखा राज्य है, जहाँ रेत के टीले जो हवाओं के झोंकों के साथ अपना रुख बदल देते हैं। लेकिन इसी जमीन में कुछ कहानियां ऐसी भी हैं जो लोगों के दिलो दिमाग पर ऐसे बैठ चुकी है कि कई युगों से वे जरा भी नहीं बदली। ऐसी ही एक कहानी है किराडू टेम्पल की, जिसके बारे में ऐसी कथा प्रचलित है कि यहां जाने के बाद लोग हमेशा के लिए पत्थर के बन जाते हैं। राजस्थान के बाड़मेर के पास एक ऐसा गाँव है जहाँ के मंदिरों के खंडहरों में रात में कदम रखते ही लोग हमेशा के लिए पत्थर के बन जाते हैं। यह कोई साप है या कोई चमत्कार, कोई नहीं जानता और यह जानने की कोई कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वहाँ के लोगों में इस मंदिर में शाम होने के बाद जाने से इतना डर है कि शायद यही कारण है कि यह मंदिर आज भी वीराना पड़ा हुआ है। वैसे भारत में इन चीज़ों पर शोध और रिसर्च को ना तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सरकार इस पर कोई खर्च करती है। इसी कारण आज भी देश में स्थित ऐसी कई प्राचीन मंदिर और अन्य प्राचीन वस्तुएं इतिहास के साथ ही खंडहरों में दफ्न होकर रह गई है। बाड़मेर का किराडू शहर ऐसे ही किसी रहस्य को अपने भीतर दफ्न किए हुए है। कहते हैं कि एक समय था जब यह स्थान आम जगहों की तरह चहल पहल से भरा था और लोग यहाँ खुशहाल जीवन जी रहे थे। यहाँ हर तरह की सुख सुविधाएं मौजूद थी। लेकिन एक दिन अचानक इस शहर की किस्मत बदल गई। यहाँ कुछ ऐसा हुआ कि सभी को अपना जीवन खोना पड़ा। मान्यता है कि इस शहर पर एक साधु का श्राप लगा हुआ है। यह लगभग 900 साल पहले की बात है, जब यहाँ परमारों का शासन था। तब इस शहर में एक सिद्ध संत ने डेरा डाला। कुछ दिन रहने के बाद जब वह संत तीर्थ भ्रमण पर निकले तो उन्होंने अपने शिष्यों को स्थानीय लोगों के सहारे छोड़ दिया कि आप इनका भोजन पानी देना और इनकी सुरक्षा करना। संत के जाने के बाद उनके सारे शिष्य बीमार पड़ गए और बस एक कुम्हारिन को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति ने उनकी सहायता नहीं की। बहुत दिनों के बाद जब संत पुनः उस शहर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके सारे शिष्य भूख के मारे तड़प रहे हैं और वे बहुत ही बीमार अवस्था में हैं। यह सब देखकर संत को बहुत क्रोध आया। उस सिद्ध संत ने यह कहा कि जिस स्थान पर साधुओं के प्रति दया भाव ही नहीं है तो अन्य के साथ क्या दया भाव होगा। ऐसे स्थान पर मानव जाति को नहीं रहना चाहिए। उन्होंने क्रोध में अपने कमंडल से जल निकाला और हाथ में लेकर कहा कि जो जहां जैसे है शाम होते ही पत्थर बन जाएगा। उन्होंने संपूर्ण नगर वासियों को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। फिर उन्होंने जिस कुम्हारिन ने उनके शिष्यों की सेवा की थी उसे बुलाया और कहा कि तू शाम होने से पहले इस शहर को छोड़ देना और जाते वक्त पीछे मुड़कर नहीं देखना। कुम्हारिन शाम होते ही वह शहर छोड़कर जाने लगी, लेकिन जिज्ञासावश उसने पीछे मुड़कर देख लिया तो कुछ ही दूर चलकर वह भी पत्थर बन गई। इस श्राप के चलते पूरा गांव आज भी पत्थर का बना हुआ है। इस श्राप के कारण आसपास के गाँव के लोगों में दहशत फैल गई, जिसके चलते आज भी लोग में यह मान्यता है कि जो भी इस शहर में शाम को कदम रखेगा या रुकेगा वह भी पत्थर बन जाएगा। किराडू के मंदिर का निर्माण किसने कराया, इस बारे में कोई तथ्य मौजूद नहीं है। इतिहासकारों का मत है कि किराडू के मंदिरों का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था तथा इसका निर्माण परमार वंश के राजा दुलसाल राज और उनके वंशजों ने किया था। समय के साथ इस मंदिर का रहस्य भी कहीं गुमनामी में खो गया और छोड़ गया तो सिर्फ एक ऐसा दहशत जो आज भी लोगों के जहन में है और शायद यह दहशत कभी खत्म भी ना हो। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियो का अपडेट मिल जाए। तो इसी के साथ आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। हम जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।